हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पेप की इस नई क्लास में। और आज हम मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां की जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और उसका जन्म लाहौर में 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी। दोस्तों, खुर्रम अपने पितामह अर्थात सम्राट अकबर का अत्यंत ही प्रिय था। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां बचपन में अध्ययन में काफ़ी निपुण था, अतः उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। उसे फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उसने भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति व धर्मशास्त्र विषयों का अच्छा अध्ययन किया था। इसके साथ ही साथ वह अस्त्र एवं शस्त्र चलाने में निपुण था और खुर्रम को घुड़सवारी भी करनी आती थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं शाहजहां का विवाह कब और किससे हुआ था। दोस्तों, वैसे तो शाहजहां ने कई विवाह किए थे, पर भारतीय इतिहास में शाहजहां का एक विवाह बहुत प्रसिद्ध है। यह विवाह था शाहजहां और मुमताज महल का। शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ था और उसके विवाह के समय शाहजहां की उम्र 20 वर्ष की थी। यही अर्जुमंद बानो बेगम आगे चलकर इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अर्थात मुमताज महल के बचपन का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। चलिए दोस्तों, शाहजहां के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां राजगद्दी पर बैठा। उसका विधिवत सिंहासनारोहण सन 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। दोस्तों, जब शाहजहां राजगद्दी पर बैठा तो उस समय खूब आनंद एवं उत्सव मनाया गया था। सरदारों की पदोन्नत की गई थी और उन्हें पारितोषिक प्रदान किए गए थे। दोस्तों, राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने खान जहां लोधी एवं नूरपुर के जमींदार जगत सिंह के विद्रोह का अंत किया। उसने पुर्तगालियों को भी युद्ध में पराजित किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने हेतु गोलकुंडा, बीजापुर एवं अहमदनगर पर आक्रमण किए। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां जहांगीर एवं अकबर की अपेक्षा अधिक कट्टर मुसलमान था। राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने पहला कार्य यह किया कि राज्य के कार्यों में सौर वर्ष का प्रयोग बंद करके चंद्र वर्ष तथा हिजरी संवत के प्रयोग की आज्ञा दे दी और उसके इस कार्य से कट्टर मुसलमान अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, शाहजहां ने अकबर एवं जहांगीर के समय में प्रचलित सिजदा प्रथा को भी बंद करा दिया एवं उसके स्थान पर जमी बोस का नियम लागू कर दिया था। दोस्तों, शाहजहां का काल बहुमुखी गतिविधियों का दौर था। हिंदुओं के प्रति चली आ रही नीतियों में शाहजहां ने कई फेरबदल किए। शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक बतलाया और उसने मुगलों की इस नीति को दोहराया कि हिंदुओं के पुराने पूजा स्थानों एवं मंदिरों की मरम्मत तो करवाई जा सकती है, परंतु नए मंदिरों एवं पूजा स्थानों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, उसके समय में जहांगीर के काल में बने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, परंतु पुराने हिंदू मंदिरों में किए जाने वाले दान जारी रहे। अर्थात कुछ मंदिर तो नष्ट किए गए थे, परंतु जो मंदिरों को दान दिया जाता था वो वैसा ही दिया जाता रहा। दोस्तों, अपने शासन के अंतिम समय में शाहजहां ने हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाई और उसने वेदों के साथ साथ कई हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। चलिए दोस्तों, शाहजहां के काल के कुछ प्रमुख इमारतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शाहजहां को भवन निर्माण एवं स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने आगरा में अपनी चहेती पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त उसने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण भी कराया। दोस्तों, ताजमहल को बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए दोस्तों, शाहजहां की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शाहजहां और उसकी पुत्री जहां आरा को आगरा के किले में कैद रखा गया था और वहां पर उसकी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। पिता और पुत्री दोनों को लगभग 8 तक बंदी बनाकर आगरे के किले में रखा गया था। उसने इस कारागृह से अपने आप को छुड़ाने के बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु ये सारे ही प्रयत्न व्यर्थ रहे।
और उसके इन प्रयत्नों से उसके सभी शत्रु और भी सतर्क हो गए। और जैसे ही उसके शत्रुओं को उसके इन प्रयासों का पता चला तो उन्होंने उसको और ज़्यादा दुख और यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, उस समय उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना बेटा औरंगजेब ही था। दोस्तों, साधारण सुविधाओं के न मिलने के कारण शाहजहाँ सन 1666 ईस्वी में काफ़ी बीमार पड़ गया। उसकी पुत्री जहाँ आरा ने उसकी खूब सेवा की, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ और अंत में जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु आगरा के किले में हो गई। दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री जहाँ आरा चाहती थी कि उसका जनाजा बड़ी ही धूमधाम से निकले, परंतु औरंगजेब ने जनाजे की आज्ञा नहीं दी। शाहजहाँ ने आगरा निवासियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे और उसकी मृत्यु से आगरा निवासियों को बड़ा ही दुख हुआ। आगरा निवासियों ने बादशाह शाहजहाँ का गुणगान करने लगे और उसके महान कार्यों का प्रचार एवं प्रसार भी होने लगा। दोस्तों, उस समय पूरे आगरा में शोक मनाया गया और इस समय जहाँ आरा की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद जहाँ आरा दिल्ली चली गई और वहाँ 1681 में उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम ISSSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।